एनिमल उसका पार्ट वन, जो पार्ट वन का नाम था ऐसा था नेपोलियन, वो हमने आगे के वीडियो में देख लिया था। तो आज हम इस लेसन का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो दूसरा पार्ट का नाम है सच्चा दान। तो जो स्टोरी दी हुई है इसमें से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने देश से सबको प्रेम होता है, सभी को अपने देश के लिए प्रेम होता है। अपने देश की आजादी और सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हमारा देश जो आजाद हुआ इसके लिए, जो सम्मान के लिए देशभक्त जो होते हैं वो अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बता गया है। जो इस स्टोरी है इसमें गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे, उसके उपस्थित में ही हमारे देश के लिए जो उसके पास जो भी है वो सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गई है, वैसे यहाँ एक स्टोरी बताई हुई है। तो वो स्टोरी हम यहाँ देखते हैं। तो मेन स्टोरी सच्चा दान। मालबार केरल की बात है, केरल है वहां की यह बात हो रही है। वहां बड़ग्रा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। वहां बड़ग्रा शहर का नाम है, गांव का नाम है, वो गांव में सभा का आयोजन किया गया था। आयोजन शब्दार्थ में देखते हैं इंतजाम। बड़ग्रा गांव में एक सभा का इंतजाम किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने क्या किया, अपने भाषण में सभा में, भाषण का मीनिंग क्या होता है तो सभा के सामने बोलना, भाषण शब्दार्थ में देखते हैं भाषण। तो सभा के सामने बोलना, तो गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों, जो सभा थी तो भाषण में क्या किया कि जो सभा में उपस्थित जो बहनों थी उस बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जेवर का मीनिंग होता है गहने, जेवर तो गहने, तो जो गहने होते हैं उसकी भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, गांधी जी को बहुत सारी वो भेंट मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। अपना जो भाषण था वो समाप्त किया, कंप्लीट किया, और उसके बाद गांधी जी वो जो जेवर थे उसका नीलाम करने लगे। नीलाम करना तो बोली लगाकर बेचना। नीलाम का मीनिंग क्या होता है, बोली लगाकर बेचना। तो भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको बोली लगाकर बेचने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसी टाइम क्या हुआ, कौमुदी नाम की एक 16 ईयर की कन्या थी, वो धीरे से मंच पर चढ़ गई। मंच का मीनिंग होता है स्टेज। कौमुदी नाम की लड़की थी वो मंच पे आ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। उसने क्या किया, एक हाथ की सोने की जो चूड़ी होती है वो उतारी और गांधी जी को दे दी, और देते हुए बोली कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। हस्ताक्षर का मीनिंग होता है दस्तखत।
को देते हुए बोले कि आप मुझे अपना हस्ताक्षर देंगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे और उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतारी। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे और लड़की ने क्या किया, दूसरे हाथ की जो चूड़ी है वो भी उतार ली। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने क्या, यह देखकर गांधी जी ने क्या कहा कि अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि एक ही चूड़ी मैं लूंगा अपना हस्ताक्षर देने के लिए। इसके उत्तर में कौमोदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। इसके उत्तर में कौमोदी ने क्या किया, जो गले में स्वर्णहार था वो भी उतार दिया। स्वर्णहार का मीनिंग क्या होता है, सोने की माला। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से याज्ञा ले ली है ना। गांधी जी ने क्या पूछा कि तुमने अपने माता पिता से याज्ञा ले ली है। याज्ञा का मीनिंग होता है अनुमति। तो अपनी माता पिता से आपने अनुमति ले ली है, ऐसा गांधी जी ने वो कौमुदी से पूछा। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रक्त झड़ी बूंदे भी निकाल लिए। कोई उत्तर नहीं दिया कौमुदी ने, पर कि क्या किया कि अपने कानों में जो रक्त झड़ी बूंदे थी, बूंदे मीन्स के कान के आभूषण, शब्दार्थ में देखते हैं बूंदे, तो बूंदे का मीनिंग क्या होता है, कान के आभूषण। वो भी निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से याज्ञा ले ली है ना। गांधी जी ने दूसरी बार पूछा कि आपने एक घर आपने जो आभूषण देने के लिए अपनी माता पिता से अनुमति ले ली है ना, वो गांधी जी ने दूसरी बार पूछा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है, मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता जो है वो यहाँ है, मान पत्रों की नीलामी में वही बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे। मान पत्रों का मीनिंग क्या होता है, आदर सूचित करने वाला पत्र। मान पत्र का मीनिंग क्या होता है, आदर सूचित करने वाला पत्र। आभूषणों की जो अपेक्षा, तुम्हारा त्याग जो है वो ही एक सच्चा आभूषण है जो तुमने
सब कुछ त्याग कर दिया, वो त्याग करने की बहुत बड़ी बात होती है, वो ही एक सच्चा आभूषण है, सच है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, गांधी जी ने क्या कहा, ये सच बात है कि देश प्रेम से बढ़कर और कुछ बात नहीं होती। तो यहाँ हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो भी पूरी होती है। तो दूसरी स्टोरी सच्चा टाइम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई लालच नहीं रखनी चाहिए, आभूषण हो या कुछ भी हो। तो यहाँ जो कौमुदी ने अपने आभूषणों का त्याग कर दिया वो ही सबसे बड़ा आभूषण है। तो देश प्रेम वो सबसे बड़ा दान है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ हमारी सेकेंड स्टोरी भी कम्प्लीट हुई। तो यहाँ हमारा लेसन नंबर 2 है जो पूरा हो गया। आशा रखती हूँ कि दोनों स्टोरी में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।